अफगान ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड को मात देकर सबको हैरान कर दिया था। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जिस तरीके से आज का जो मैच होना है वो चेन्नई पर होगा और चेन्नई की पिच को स्पिनर के लिए काफी मुनासिब माना जाता है, स्पिनर के लिए वहां पर काफी मदद मिलती है, तो ऐसे में तो आज अगर देखा जाए तो अफगान के पठानों की चार चादी होने वाली है, क्योंकि उनके पास विश्व स्तर के तीन ऐसे स्पिनर हैं जो किसी भी टीम को कभी भी मात दे सकते हैं, और खास करके चेन्नई जैसी पिच पर, जिस पिच पर हमेशा स्पिनरों का बोलबाला हो। अगर बात की जाए तो आज का जो मुकाबला होने वाला है वो मुकाबला है न्यूजीलैंड, जो अपने लगातार तीन मैच जीत चुकी है, और उसके सामने है अफगान। यानी कि अफगान ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड को मात देकर सबको हैरान कर दिया। ऐसे में इस मैच में सबकी नजरें टिकी होंगी कीबी के ऊपर, क्योंकि कीबी ने बांग्लादेश सामने 8 विकेट से एक बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन उसकी इस टीम का जीत का स्वाद कड़वा हो गया। चोट के बाद टीम में लौटे केन विलियमसन अपने हाथ के अंगूठे को फ्रैक्चर करवा बैठे, जिसके चलते शायद उन्हें पूरे विश्व कप में बाहर होना पड़े। यानी कि जो उनको चोट लगी, चोट के बाद मैच में आते हैं, 2 मैच मिस करते हैं वर्ल्ड कप का, लगभग 7 महीने बाद पिच पर उतरते हैं और एक ही मैच खेलने के बाद वो फिर चोट से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो आखिरकार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा दिया था इंग्लैंड के खिलाफ। उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ने गजब की क्रिकेट खेली बटलर की टीम को हराने के बाद। अफगान टीम के हौसले 7वें आसमान पर होंगे। आखिर भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से उनका प्रदर्शन था, जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने, उनके गेंदबाजों ने, उनके फील्डरों ने जो दमदार प्रदर्शन किया। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के एक्स फैक्टर खिलाड़ी की, तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल ने बांग्लादेश के खिलाफ छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। उस मैच में मिचेल ने 89 रन की पारी खेलकर न्यूजीलैंड की टीम को आसान जीत दिलवा दी। 32 साल का यह बल्लेबाज फिलहाल शानदार फॉर्म में है। पिछली 10 वनडे पारियों में 78.7 की औसत से रन बटोरे हैं। ऐसे में अफगान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने वनडे विश्व कप में 107 पारियों में 200 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही सबसे तेज कारनामा करने वाले पहले कीवी गेंदबाज बन गए। इतना ही नहीं, मिचेल स्टार्क और सकलेन मुश्ताक के बाद सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए। जब बात आती है ट्रेंट बोल्ट की, तो आप सबको पता होगा कि ट्रेंट बोल्ट के अंदर कितना पेस है और उनकी गेंदबाजी कितनी बेहतरीन होती है, या वो किस आकार से कब स्विंग करवाते हैं, कितनी बढ़िया बाउंसर मारते हैं, आप सबने देखा होगा इसका नमूना 2019 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से भारत के सामने उन्होंने गेंदबाजी की थी। आज के इस मैच में वो कितना एक्स फैक्टर साबित होंगे अपनी टीम के लिए, कितना वो बेहतरीन साबित होंगे, ये हमें पता चल जाएगा टॉस होने के बाद, जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। वहीं अगर बात की जाए अफगानिस्तान के एक्स फैक्टर खिलाड़ियों की, तो इसमें रहमान उल्लाह गुरबाज, आप सब ने देखा कि गुरबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ कितनी बेहतरीन पारी खेली। यानी कि वो बंदा, जो कहावत भी है अफगानिस्तान में कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक भी नहीं, और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। जिस तरीके से लगा है नहीं कि वो वनडे मैच खेल रहे हैं, स्टार्टिंग आते ही उन्होंने बेहतरीन पारी खेली और मात्र 33 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बनाए। नो डाउट अगर वो रन आउट ना होते, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके साथ ना होती, तो शायद वो उस वर्ल्ड कप में शतक भी लगा सकते थे। रहमतुल्ला गुरबाज की बात की जाए, शुरुआती 2 मैचों में अपने बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए। इंग्लैंड के खिलाफ 80 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम की जीत में अहम रोल निभाया। गुरबाज की आजसी पारी के बदौलत अफगानिस्तान के विश्व कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। अफगानिस्तान ने साल 2015 में वर्ल्ड कप डेब्यू किया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी काबिलियत का नमूना कई बार पेश किया। इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में उनकी दूसरी जीत थी। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड ने वनडे में लगातार 5 मैच जीत चुका है। 50 ओवर के फॉर्मेट में यह पहली बार है जब कीवी ने इतने मैच लगातार जीते हैं। इस मैच में जीत का पलड़ा न्यूजीलैंड की तरफ है। दोनों टीमों के बीच अब तक 2 वनडे मैच हुए हैं, वह अभी विश्व कप में, और दोनों मैच न्यूजीलैंड ने बाजी मारी। यानी कि दो मैच हुए हैं, दोनों मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को करारी शिकस्त दी है, लेकिन आज का जो मुकाबला होने वाला है इसमें पूरी तरीके से कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से न्यूजीलैंड के पास मात्र एक स्पिनर है, हाँ ग्लेन फिलिप्स वो बतौर बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी वो भी कर सकते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा दारोमदार रहेगा वो रहेगा मिचेल सेंटनर के ऊपर। हो सकता है इस मैच में आज ईशा सोडी को भी मौका मिले, क्योंकि ईशा सोडी भी एक बेहतरीन स्पिनर हैं और चेन्नई की पिच वैसे भी स्पिनरों के लिए हमेशा मददगार रही है। जिस तरीके से इस समय डेविन कॉनवे, रचिन रवींद्र,
अच्छे प्लेयर उनके पास हैं, टॉम लॉथम भी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, और काटी का मुकाबला इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो स्पिन की तिकड़ी है वो इस पिच पर अपना जलवा जरूर बिखेरने चाहेगी, खास करके मुजीबुर रहमान जो पावर प्ले में गेंदबाजी भी करने आते हैं, उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद नबी फिर जिम्मेदारी संभालते हैं, मिडिल ओवर में जिस तरीके से राशिद खान विकेट चटकाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो मैच होगा ये काफी टक्कर होगा। आप ये भूल जाइए कि न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार मात दी, यानी कि 2 मुकाबले में दोनों बार हराया है। आज हो सकता है जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि 2 सबसे बड़े उलटफेर हुए, पहला उलटफेर किया था अफगान ने यानी कि इंग्लैंड को हराकर, लेकिन कल जिस तरीके से नीदरलैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका को मात दी वो दूसरा उलटफेर था। और आपने देखा हर विश्व कप में कुछ न कुछ बड़े उलटफेर होते, यानी कि जो छोटी टीमें होती हैं वो बड़ी टीमों पर अपना कब्जा जमा लेती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कल के मैच में जिस तरीके से नीदरलैंड के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, खासकर कप्तान एडवर्ड जिस तरीके से पारी खेले वो वाकई में अपने लिए बहुत काबिल तारीफ था। उस मैच में जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि नीदरलैंड की टीम ने किसी भी विभाग में अपने आप को बैकफुट पर नहीं किया, और उसी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम जो लगातार शानदार फॉर्म में थी, क्विंटन डिकॉक जो लगातार 2 शतक मार चुके थे, एडन मार्करम जो विश्व कप का सबसे तेज शतक मार चुके थे, फिलहाल आज का जो मुकाबला होगा ये मुकाबला 2 बजे से होगा। इस मुकाबले में सबकी उम्मीदें होंगी मुजीबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी पर, तो वहीं न्यूजीलैंड को उम्मीदें होंगी ईशा सोडी को अगर मैच लेते हैं उनके ऊपर, मार्च चैंपियन को खिलाते नहीं खिलाते ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि केन विलियमसन फिर से एक बार टीम से बाहर हो गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे वर्ल्ड कप से वो बाहर होंगे, ऐसे में मार्क चैपमैन की वापसी हो सकती है। और वहीं अगर बात की जाए ग्लेन फ्लिप्स की, यानी कि अगर न्यूजीलैंड ग्लेन फ्लिप्स, मार्क चैपमैन, ईशा सोडी, मिचेल सेंटर के साथ जाती तो इनके पास कहीं ना कहीं स्पिनर अटैक का एक आप ये कह सकते हैं ग्राफ बढ़ जाएगा, या आप ये कह सकते हैं इनके पास वैरायटी बढ़ जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।